नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? मस्त मजे में? तो भाई साहब, आज थी अपनी नौकरी पे से छुट्टी, तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा ट्राई कर लेते हैं, कहीं निकल के कोई अच्छी सी वीडियो बना देते हैं। तो आज निकल रहे हैं लंबे टूर पे भाई साहब, वीडियो आएगी आपके लिए कल, इसलिए आप लोग देखना, मस्त इन्जॉय करना, कुछ गलती हुई हो तो वो बताना, बाकी जगह कहाँ जा रहे हैं, लंबा है, थोड़ा दूर जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे धीरे धीरे, आपको पता ही चलेगा वीडियो देख के। बाकी ये देखो, इससे अपनी बोल्ट निकले हैं, इससे सवारी करने मैं हूँ और ये है मेरे साथ सुक्की भाई साहब। निकलते हैं क्योंकि लेट हो गए, वैसे ही अगर यहाँ पे वीडियो बनाते रहे तो फिर आगे का कुछ नहीं बना पाएंगे, इसलिए धड़फड़ धड़फड़ निकलते हैं फटाफट। क्यों हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तुलाराम बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ये। अभी धूप की वजह से साफ दिख नहीं रहा। हाँ तो भाई साहब, हम लोग निकल आए हैं 22 किलोमीटर अपनी जगह से, जहाँ से हम लोग चले थे, और अभी हम लोग को आधा घंटा भी नहीं हुआ एक्चुअली, बट तो देखो भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं। और हम लोगों ने जाना है 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। अब देखो कितनी देर में पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, आप लोगों के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। भाई चला रहा है गाड़ी, मैं बैठ गया हूँ पीछे, और बस ये समझ लो कि राम भरोसे है जिंदगी अब, क्योंकि राइडर हमारा बहुत तगड़ा भाई साहब, एकदम मतलब हैवी ड्राइवर। ड्राइवर साहब को चाहिए थोड़ा आराम, गए वो थक तो अब आराम कर रहे हैं, थोड़ा कह रहा रेस्ट ले लूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम लोगों ने रेस्ट लेने के लिए कोने में ऐसी पतली सड़क ढूंढी है जिसमें ट्रक आवन जावन चल रहा है, और यार रेस्ट ले रहे हैं हम लोग, ले उनने ट्रक ही फंसा दिया। ये देखो भाई साहब, ट्रक ही फंसा है। चलो बढ़ते हैं अब आगे फिर थोड़ा सा, क्योंकि सफ़र है थोड़ा लंबा। रुक के कुछ खाने पीने का आइटम ले लिया गया है, क्योंकि आगे अब केवल जंगल ही जंगल पड़ने वाला है, तो आगे हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, तो हमने अपना सामान खाने पीने का ले लिया है। उसके बाद चल के अब सफारी बुक करनी है 2 बजे से पहले, और अब बज गया है 1, हमें 2 बजे से पहले पहुँच के सफारी भी लेनी है और वहाँ पर जाके आगे जंगल भी घूमना है। तो अब देखो कितनी जल्दी पहुँच सकते। भाई वो गया है सुखी हमारा कोल्ड ड्रिंक लेने, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक के बिना रह नहीं पाता। पानी हमने ले लिया है, खाने पीने का आइटम ले लिया है, अब वो कोल्ड ड्रिंक लेके बस हम लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आगे की उम्मीद नहीं कुछ भी मिले खाने पीने का। तो चलते हैं आगे भाई साहब, देखते हैं, अभी तो रास्ता भी पूछ पूछ के ही जा रहा है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। चलो तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए दुधवा नेशनल पार्क के अंदर। अब भाई साहब यहाँ से हमें जाना है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आखिरकार हमने बता दिया आपको, वैसे बताने को थे नहीं इतनी जल्दी, सोचा चलो क्या सस्पेंस रखना, आप जब जंगल ही जंगल दिख रहे हैं तो। अब यहाँ पे हमारे से भी भीषण जानवर आपको दिखेंगे, आई मीन जानवर आपको दिखेंगे, आगे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या हमें नज़र आता है, वो सब आपको दिखाया जाएगा। वैसे तो अभी बहुत मंदिर
महाराज बैठे हैं, बंदर ही बंदर दिख रहा है अभी तो, बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। सर आपको स्वागत करेगा। ठीक है, डेढ़ बज रहा है और अभी हम कटैया ही ढूंढ रहे हैं कि कटैया गांव का है। कटैया ढूंढते ढूंढते हमारी कटिया खड़ी हो गई है पर हमें कटैया नहीं मिला अभी तक। और 2 बजे से वहां पे सफारी की बुकिंग होती है, अगर टाइम से नहीं पहुंचे फिर करा लो ऐसी तैसी वापस घर, हो जाएगा सारा काम ठप। इसलिए अब जल्दी जल्दी निकलते हैं, बातचीत करेंगे बाद में, फिर निकलते हैं फटाफट आगे पहुँचते हैं। जय बोले यार, ये हम लोग कटैया गाँव में पहुँच चुके हैं। कटैया गांव से आपको मिलती है सफारी और ये गांव है पूरा, यहाँ पे देख लो कतई ओके गांव। 2650 रुपए है पूरी सफारी की, जिसमें 6 लग जा सकते हैं। हम लोग एडजस्ट करके पैसे कम हो जाएंगे। है कुछ जहाँ से हमें मिलेगी सफारी एंट्री पॉइंट पे, और यहाँ पे अभी तक हम 2 बेवकूफों के सिवा कोई नहीं दिख रहा है भाई साहब, केवल हम ही 2 हैं। और भाई ने बताया कि 2:30 बजे से सफारी जाती है। 2650 रुपये टोटल किराया है, 6 लोग बैठ के उसमें जा सकते हैं। अब जितने लोग होंगे उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब है, वरना यहाँ पे दुधवा से ला के हाथी और हिरण विरण यहाँ पे रखे जाते थे, लेकिन आज कुछ नहीं है क्योंकि हमारी किस्मत तेज है, आपको पता ही है। बाकी टाइगर वाइगर वहाँ मिलेंगे अंदर तो देखते हैं, अभी ढूंढते हैं तो मिलेगा अगर तुम देखते हैं। जब तक टहल रहे हैं घूम रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, 2:30 बजे से स्टार्ट होएगी इनकी सफारी बुकिंग। अब भगवान करे कोई ना कोई बंदा आ जाए, हमारे पैसे बढ़ जाए, गरीबों के पैसे लग जाएंगे ना बहुत। चलो भाई जी, एक स्लॉट सुबह भी रहता है। सुबह भी रहता है और सुबह वही 6:30 बजे से होती है, 9:30 बजे तक। 6:30 बजे बहुत जल्दी है मतलब जी। और फिर सेकंड ये 2:30 बजे से सनसेट तक रहती है सफारी। अच्छा, बात तब तक हम लोग जब वहीं रहेंगे जंगल में अंदर ही चाहे जाके जितनी जल्दी घूम आए। आ गए ये लोग, सब यहीं के गाइड हैं, गाइड भाई लग रहे हैं हमारे। ये देखिए भाई साहब, वाइल्ड लाइफ जानवर, रोता हुआ कुत्ता। हाँ भाई बोलो, कुछ कह रहे थे, बोलो बोलो। ऊँ कर रहे थे यार। हाँ ये हूँ, देखा ये भी हमसे भाग रहा है छुपके। अच्छा बंधा हुआ है, ये देखा कितना भयंकर वाइल्ड लाइफ जानवर दिखाया हमने। ये भाई साहब ये देखिए सिंगो वाली बकरियाँ, मतलब भाई साहब एक से बढ़कर एक वाइल्ड लाइफ जानवर मिल रहा है हमें यहाँ पे। ये देखिए भाई साहब नल से निकलता हुआ पानी, इतनी अनोखी चीजें हमें मिल रही है। वाइल्ड लाइफ जानवर भयंकर यहाँ से जाता हुआ। मोबाइल नंबर है 889-889-660। ये हमारे विनोद भाई हमारे साथ चल रहे हैं, अब हमारे ये है आगे के गाइड जो आगे तक का सफर हमारा पूरा कराएंगे। तो आगे मिलते चलते देखते कि हमसे भी। अच्छा ड्राइवर भाई ये है, आपका नाम भाई? इलियास अहमद। या इलियास, इलियास अहमद, इलियास अहमद। ये भाई हमारे हैं ड्राइवर साहब और ये हमारे गाइड साहब विनोद जी। अब विनोद बोवाला नहीं कहीं तुम लोग बोवाला विनोद सोचो, ठीक है। ये विनोद यहीं के है, अब चलते आगे, हमसे बड़े जानवर देखते कौन है आगे। चलो भाई साहब अब हम 2 और हमारी ये सफारी और हमारे साथ कोई साथी नहीं है, आगे जानवर साथी मिल जाएंगे वो बात अलग है। चलते देख लो हमारी सफारी। आदत पड़ गई बाइक बोलने की, क्या करें, बाइक की बाइक पे घूमते रहते दिन भर। अब ये लो हमारी सफारी, ये रही, खाओ तुम आराम से खाओ। वाइल्ड लाइफ जानवर चलो भाई साहब अब देखो ये उठेगा फाटक और हम जाएंगे जंगल के अंदर। जंगल के जानवरों को हमसे खतरा है। अरे यार अब हो गया, वेलकम एट माय होम। देख लो टाइगर हमसे कह रहा है कि वेलकम एट माय होम, देख रहे हो आजकल ये भी स्वागत कर रहे हैं हमारा। चलो अब देख रहे हैं आप, ये जो आगे सब जंगल है इन्हीं में हम जा रहे हैं घूमने। हमारे कोच साहब गए अंदर, कोच साहब गए अंदर पर्ची के साइन कराने। बाकी देखो ये जंगल है भाई साहब, इसके अंदर अभी घूमेंगे, क्या मिलता है वो आपको सही से बताया जाएगा। ये हमारा गेट खुलता हुआ, अब हम चले अंदर की तरफ। डिंग 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 ओए
आप लोग देख सकते हैं कीवी है, इसके ये सींग जैसे, ये कांटे जैसे खड़े हो जाते हैं, वो जा रही है, खुश गई। अच्छा, ये जो आप फुटप्रिंट देख रहे हैं ये मेल का है, हाँ ये टाइगर के हैं।